तो नंबर वन ए प्लस थ्री बी, तो इधर ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 11 माइनस 14, 13 माइनस 12 11, माइनस 18 11, 10 12 प्लस 3, और 3 बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, 12 11 माइनस 12 0 माइनस 14 18 16 माइनस 11 माइनस 14। पहले हम इस 3 को अंदर हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ 11 माइनस 14 13 माइनस 12 11 माइनस 18 11 10 12 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 11 33, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 माइनस 36 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 तो ये माइनस 42 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 18 तो ये आ जाएगा हमारे पास 54, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 48 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11 माइनस 33, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 14 तो ये माइनस 42 आ जाएगा। तो पहले हमने बी की हर एंट्री को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 प्लस 36 माइनस 14 प्लस 33, 13 माइनस 36 माइनस 12 प्लस 0 11 माइनस 42 माइनस 18 प्लस 54 11 प्लस 48 10 माइनस 33 12 माइनस 42। इलेवन प्लस 36 तो ये आ गया 47, माइनस 14 प्लस 33 ये आ गया 19, 13 माइनस 36 माइनस 23 माइनस 12 प्लस 0 ये माइनस 12 आ गया, 11 माइनस 42 माइनस 31 माइनस 18 प्लस 54 ये प्लस 36 आ गया, 11 प्लस 48 59 आ गया, 10 माइनस 33 माइनस 23 आ जाएगा, 12 माइनस 42 तो ये माइनस 30 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस 3b का आंसर आ गया।